आखिर रोज रोज महल में चोरी कैसे हो रही है? तुम सब लोग क्या कर रहे हो? महाराज, हम लोग तो पहरा देते हैं, फिर भी महल के अंदर कोई आकर चोरी कैसे करता है महाराज, हम नहीं जानते। आइए आइए भैया, बस 1 रुपए में ही अपना भविष्य जानिए। मेरा तोता आपके सारे सवालों का जवाब देगा। आइए जानिए अपना भविष्य। अरे अरे, मुझे जानना है मेरा भविष्य। अरे तोते, जरा बताना मेरा क्या नाम है। तुम्हारा नाम नशेड़ी है। अरे वाह वाह, यह तोता तो सच बोलता है। जरा बताना तो मेरा विवाह कब होगा। तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत बड़े नशेड़ी तथा कामचोर हो। अरे यहाँ पर ये भीड़ कैसी लगी है? तुम्हें जल्दी ही गुप्त धन मिलने वाला है, जाओ जाओ मौज उड़ाओ। अरे वाह वाह, यह तोता तो भविष्य बताता है। क्यों ना मैं इसी तोते से अपने घर में हो रही चोरी के बारे में पूछता हूँ। अरे तोते, क्या तुम मेरे घर में हो रही चोरी के बारे में कुछ बता सकते हो? जी महाराज, आपके घर में रोज चोरी होती है। वह चोरी कोई और नहीं बल्कि आपका नौकर श्यामू करता है। तोते के मुंह से अपने नौकर का नाम सुन राजा चौंक जाता है। अरे वाह, या तो मेरे नौकर का भी नाम जानता है। इसका मतलब यह तोता सत्य बोल रहा है, तो क्यों ना मैं इस तोते को खरीद लूं। इसकी सहायता से मैं बहुत सारे गलत कार्यों को रोक सकता हूँ। अरे सुनो भाई, क्या तुम यह तोता मुझे बेचोगे? नहीं नहीं महाराज, यह तोता मैं नहीं बेच सकता। यह तोता तो मेरी रोजी रोटी चलाता है, मैं इसे नहीं बेच सकता महाराज। अरे भाई, यह तोता मुझे दे दो। तुम इसके बदले मुझसे जितना भी धन मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे वाह वाह टिल्लू, तोते का बहुत अच्छा दाम मिलने वाला है। जल्दी से इस तोते को बेच देते हैं। ठीक है महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे इस तोते के बदले 1000 सोने की मोहरे दे दीजिए। फिर राजा उस तोते को 1000 मोहरे दे कर खरीद लेता है और उसे अपने महल ले जाता है। सैनिको, हमारे नौकर श्यामू को बुलाया जाए। जी महाराज, आपने हमें बुलाया। बोलिए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? श्यामू, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम महल में रोज चोरी क्यों करते हो? चोरी? महाराज, मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। श्यामू, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि चोर तुम ही हो। सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है श्यामू, तुमने अपना गुनाह कबूल किया, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने महल से निकालता हूँ। अरे वाह तोते, तुम तो बहुत ज्ञानी हो। अच्छा तोते, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरी किस्मत में कोई सुंदर कन्या लिखी है या नहीं? हाँ महाराज, आपके योग में एक बहुत ही सुंदर तथा गुणवान कन्या है। अच्छा, तो बताओ मेरे प्रिय तोते, वह कन्या कौन है और वह कहाँ रहती है? महाराज, मगध देश के राजा की लड़की चंद्रावती से ही आपका विवाह संपन्न होगा। चंद्रावती बहुत ही सुंदर तथा गुणवान है। तोते के मुंह से यह बात सुनते ही राजा खुश हो जाता है
और अपने पुरोहित पंडित गरीब चंद को बुलाता है। हे ब्राह्मण देव, आप जल्दी से हमारे विवाह का प्रस्ताव लेकर मगध नरेश के पास जाओ। आज्ञा मिलते ही पंडित गरीब चंद मगध देश के लिए निकल पड़ते हैं। हे प्रभु, बस जल्दी से राजा का विवाह संपन्न हो जाए ताकि राजा के विवाह में मुझे ढेर सारा धन मिल जाए। ये सब कुछ सोचते सोचते ब्राह्मण मगध देश पहुंच जाता है। उधर मगध नरेश की पुत्री चंद्रावती के पास भी एक मैना थी। वह मैना भी भविष्यवाणी बताया करती थी। भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं को वह पहले ही बता दिया करती थी। राजकुमारी चंद्रावती, बधाई हो, बधाई हो। अरे, ये क्या बोल रही हो मैना, तुम मुझे किस बात की बधाई दे रही हो? राजकुमारी जी, आपके विवाह का प्रस्ताव रतनगढ़ के राजा रूपसेन ने भेजा है, इसी की बधाई मैं तुम्हें दे रही हूँ। हे ब्राह्मण देव, मुझे तुम्हारे राजा का प्रस्ताव स्वीकार है। जाकर अपने राजा से कहो कि वह जल्दी से बारात लेकर आए। ब्राह्मण ये खुशखबरी राजा को सुनाता है। फिर राजा रूपसेन और चंद्रावती का विवाह हो जाता है। तो चंद्रावती उस मैना को भी अपने साथ ले आती है। एक दिन की बात है, तोता और मैना के बीच बहस हो जाती है। अरे ओ मैना, तू अपना मुंह उधर फेर ले। मैं स्त्री की कोम से नफरत करता हूँ, क्योंकि स्त्री बहुत ही धोखेबाज होती है। ए तोते, मैं अपना मुंह उधर क्यों फेरूं? तू ही अपना मुंह उधर फेर ले, क्योंकि धोखेबाज स्त्री नहीं होती बल्कि पुरुष होते हैं। पुरुष एक नंबर के धोखेबाज और स्वार्थी होते हैं। पास में खड़े राजा ने जब उन दोनों की बहस सुनी तो राजा उनसे पूछने लगता है, अरे भाई, तुम लोग आपस में ही क्यों झगड़ रहे हो? देखिए ना महाराज, यह तोता स्त्रियों को धोखेबाज और चालबाज कहता है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पुरुष बड़ा ही स्वार्थी होता है। लेकिन मैना, पुरुष ही स्वार्थी होता है, ये तुम कैसे कह सकती हो? यदि आपको विश्वास नहीं आता तो सुनो महाराज, इलापुर नामक गांव में एक महाजन नाम का सेठ रहता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। मैं क्या करूं भाग्यवान, हमने तो सारे उपाय करके देख लिए हैं, लेकिन हमें कोई संतान प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? स्वामी, आप परेशान मत होइए। यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। बिछान देही माता, बिछान देही, इस गरीब को कुछ खाने को दे दीजिए माता। हाँ ब्राह्मण देव, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। यह लीजिए ब्राह्मण देव। ईश्वर आपका कल्याण करे माता, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। उस ब्राह्मण की दुआ उस सेठानी को लग जाती है। कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा हो रहा था। सेठ और सेठानी उसे बेहद लाड़ प्यार करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गया था। अरे बिरजू, अब इक्का की चाल है, अब तू इसे काट कर तो दिखा। टोला राम इसी प्रकार जुआ खेलता, शराब पीता, अपने पिता का धन वह धीरे धीरे इसी प्रकार लुटाने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? जो धन था वो तो मैंने लुटा दिया, अब और पैसे कहां से लाऊं? चलो ऐसा करता हूँ, कहीं बाहर चलकर किसी को बेवकूफ बनाकर पैसे लेकर आता हूँ। इतना सोचकर टोला राम निकल पड़ता है। वह चलते चलते सीमापुरी नामक ग्राम में पहुँचता है। अरे भाई, इस गांव में सेठ धनपति राम का घर कहाँ पे है? सीमापुरी का सेठ धनपति राम महादन का बहुत अच्छा मित्र था।
इसी का फायदा उठाने तोलाराम वहां पर आया था। अरे कोई है घर के अंदर? मुझे धनपति राम से मिलना है। हाँ जी, कौन हो आप और आपको किससे मिलना है? मेरा नाम तोलाराम है और मैं इलापुर के सेठ महादन का बेटा हूँ। मुझे आपके पिता से मिलना है। तोलाराम झूठ मूठ की एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर धनपति राम को बेवकूफ बना देता है। अरे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जैसे तुम महादन के बेटे हो, वैसे ही मेरे भी बेटे हो। तुम्हें जब तक यहाँ रहना है रह सकते हो, यह तुम्हारा ही घर है। सेठ उस धोखेबाज की झूठी कहानी को सच समझकर उसे अपने घर में रख लेता है। अजी सुनते हो, हमें हमारे पुत्र के लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए और वह विवाह के योग्य हो गई है। स्वामी यदि मेरी मानो तो क्यों ना हम अपनी बेटी का विवाह तुलाराम से कर दें? वह तो आपके मित्र का ही बेटा है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। हमें इसके लिए एक बार तोलाराम से पूछ लेना चाहिए। बेटा तोलाराम, हम भी तुम्हारे माता पिता की तरह ही हैं, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे अरे, तो इसमें संकोच कैसा? आप बोलिए ना, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मैं कह रहा था कि तुम मेरी बेटी रागिनी के साथ विवाह कर लो। मुझे तुमसे अच्छा वर कहाँ मिलेगा पुत्र? अरे वाह वाह, काम बन गया तोलाराम, काम बन गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसी आपकी इच्छा। भला मैं आपके फैसले को कैसे ठुकरा सकता हूँ? इसके बाद सेठ ने एक शुभ मुहूर्त देखकर उन दोनों का विवाह कर दिया। अरे वाह, इतना सारा खजाना तो मेरी मुट्ठी में ही आ गया है। अब यहाँ रुकने का क्या फायदा। चलो कल सुबह ही यहाँ से सारा धन लेकर निकल लेता हूँ। पिताजी, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की अनुमति दें। सेठ खुशी खुशी उन दोनों को वहाँ से विदा कर देता है। वह दोनों चलते चलते एक घने जंगल से गुजरते हैं। अरे रागिनी, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुमने जितने भी जेवर पहन रखे हैं, इन्हें उतार कर मुझे दे दो। मैं इन्हें एक पोटली में बांध कर रख लेता हूँ। इस जंगल में बहुत सारे डाकू हैं। यदि तुम्हारे गहने देख लिए तो हमें वह नुकसान पहुँचा सकते हैं। स्वामी, आप ये सारे गहने रख लीजिए। बेचारी भोली भाली रागिनी अपने सारे गहने उतार कर उसे दे देती है। अच्छा सुनो रागिनी, चलो अब इस कुएं के पास चलकर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। फिर वह दोनों कुएं के पास जाते हैं। जैसे ही वह दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं, तभी तोलाराम रागिनी को धक्का देकर कुएं में गिरा देता है और सारा धन लेकर वहां से भाग जाता है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। बचाओ बचाओ, कोई है। अरे यह आवाज किसकी है? या तो कोई मुसीबत में लगता है, यह आवाज तो मुझे लगता है इस कुएं से आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। अरे तुम कौन हो और इस कुएं में तुम कैसे गिर गई हो? मेरा नाम रागिनी है, मैं इस कुएं में गलती से गिर गई हूँ। कृपा मुझे बाहर निकाल लीजिए। फिर वाराही रागिनी को कुएं से बाहर निकाल लेता है और उसका पता पूछकर उसके माता पिता के पास पहुंचा देता है। बेटी, ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ पुत्री, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी, जंगल में हमें कुछ डाकू मिल गए थे, उन्होंने ही हमारा सारा धन लूटकर मुझे कुएं में फेंक दिया और उन्हें पकड़कर ले गए। लड़की ने अपने पिता से सच ना बोलकर झूठ बोल दिया। उधर तोलाराम ने कुछ ही दिनों में वह सारे जेवर बेचकर उड़ा दिए।
हाय हाय, अब तो वह जेवर भी खत्म हो गए हैं। अब क्या करूं? चलो ऐसा करता हूं, मैं अपने ससुराल चलता हूं और वहां चलकर बोल दूंगा कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है, तो हो सकता है कुछ धन मिल ही जाए। इतना सोचकर तोलाराम ससुराल के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही तोलाराम सेठ के घर के बाहर पहुंचता है तो उसने रागिनी को बाहर ही खड़ा देख लिया। अरे राम राम राम, यह तो यही है, मुझे लगा था ये मर गई होगी। भाग लो तोलाराम, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आप चिंता ना करिए, आप मेरे पति हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। आप अंदर आइए, मैंने अपने माता पिता को कह दिया था कि मुझे कुएं में डाकुओं ने गिरा दिया था और मेरा सारा धन लेकर भाग गए थे। इतना सुनते ही तोलाराम चौड़ा हो जाता है। रागिनी उसे सुधरने का मौका दे रही थी, लेकिन वह तो एक दुष्ट और धोखेबाज था। उसी रात तोलाराम ने अपनी पत्नी को चारपाई से बांध दिया। अरे सुन, चल अब जल्दी से बता, तेरे बाप ने धन कहाँ छुपा कर रखा है? चुपचाप बता दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। धन तो यहाँ है जमाई राजा, वहाँ नहीं। इतना कहते ही सेठ ने उसके सिर पर एक जोर से डंडा मारा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो सुनो राजा, उस बेचारे ने तो उसके साथ इतनी वफादारी की, फिर भी वह कदम कदम पर उसे धोखा देता रहा।